तो दोस्तों अगर आप Realme का मोबाइल यूज कर रहे हैं और उस मोबाइल में Realme का 4.0 का सॉफ्टवेयर आपने अपडेट किया है और अपडेट करने के बाद अगर आपके मोबाइल में बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो कौन सा ऐसा सेटिंग है जिसको इनेबल करने के बाद आपका जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम मिल रहा था वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जैसा आपको वहां पे पहले बैटरी बैकअप मिल रहा था सेम वैसा ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो इस सेटिंग को कैसे इनेबल करना है, बैटरी ड्रेन के प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, ये टोटल चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों ये मेरे पास डिवाइस है Realme Narzo 50 Pro 5G वेरिएंट है और इस मोबाइल में मुझे बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सेटिंग बताने वाला हूँ, इस सेटिंग को यूज करने के बाद बैटरी ड्रेन के प्रॉब्लम को आप यहाँ पे 100% सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने इस सेटिंग को इनेबल किया तो मुझे यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मोबाइल को ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा फोन मैनेजमेंट का, ये देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद इस प्रकार का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहला तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वो टोटल यहाँ पे एक बार ऑप्टिमाइज आपको यहाँ पे कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ देर में यह ऑप्टिमाइज हो जाएगा, देन आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। पहला काम तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे बैक जाना है और नीचे बैक जाने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैटरी का, इस बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा मोर सेटिंग का, इस मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहला आपको मिलेगा परफॉर्मेंस मोड का, इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अगर ये आपका हाई परफॉर्मेंस मोड में सेट किया हुआ है या स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड में सेट किया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये अगर दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते तो आप देखिएगा आपको काफ़ी बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिलेगा, या आप यहाँ पर स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। पहला चीज आपको ये कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा ऑप्टिमाइज बैटरी लाइफ का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। तो कुछ एप्लीकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं अलवेज आस्क वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और उस कुछ एप्लीकेशन में आपको डोंट ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ऊपर में ऑटो ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन मिला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जितने भी एप्लीकेशन है सबको ऑटो ऑप्टिमाइज पे सेट कर देना है। अगर आप इसको ऑप्टिमाइज पे सेट कर दीजिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे सेट नहीं कीजिएगा तो ये जितने भी एप्लीकेशन है काफ़ी तेज़ी से आपके मोबाइल का बैटरी को ड्रेन करवाते हैं, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। देन आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑफ वाला ऑप्शन मिलेगा, बैलेंस मोड का ऑप्शन मिलेगा और अल्ट्रा स्टैंडर्ड मोड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो ऑप्शन देखने को मिला इसको आपको यहाँ पर यूज़ कर लेना है। यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर टर्न ऑफ पर क्लिक कर देना है। ये अगर आप यहाँ पर कीजिएगा तो आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलेगा। देन आपको यहां से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद एक ऑप्शन और आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ऐप्स क्विक फ्रीज वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने में ये जितने भी एप्लीकेशन है आपको यहां पे बंद देखने को मिलेंगे। अब इसका काम क्या है, मान लीजिए दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसको आप एक बार यूज़ करते हैं दोबारा उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। जैसे मान लीजिए इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट बार अगर इस एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा, यूज़ करने के बाद जैसे इसको बंद कर दूँगा तो ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देगा, ऑटोमेटिक ये फ्रीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो आप यहाँ पे काफ़ी कम यूज़ करते हैं तो सिंपली उसको आप ऑटो फ्रीज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स बैटरी मैनेजमेंट का, इस पर आप क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रहा है। मान लीजिए कि ये ऊपर वाला एप्लीकेशन बैटरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आप जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए अलाउ फॉरगेटन एक्टिविटी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर ये आपका यहाँ पर ऑन किया हुआ है तो सिंपली क्या करना है, इसको आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है, ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा काम क्या कंप्लीट करना है, देन आपको यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है
और सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा यूजर एंड अकाउंट वाला। तो ये यूजर एंड अकाउंट वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिंक्रोनाइज में ऑन किया हुआ रहेगा। तो जिसका आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज को बंद करना है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन अगर यहाँ पे ऑन किया रहेगा तो सिंपली इसको आप यहाँ पे ऑफ कर दें, ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और सभी को अगर बंद करना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।